वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइक्लिक रूल। साइक्लिक रूल किसके लिए यूज़ किया जाता है? थ्री इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट साइक्लिक रूल। साइक्लिक रूल हमारा थ्री इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यूज़ किया जाता है जो तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं, पीवी इक्वल टू आरटी, पी का वैल्यू अगर आप निकालने के लिए जाओगे पी इक्वल टू आरटी अपॉन वी होगा, तो पी का वैल्यू टी और वी पर डिपेंड करेगा। और अगर वी का वैल्यू निकालोगे वी इक्वल टू आरटी अपॉन पी आएगा, उस वी का वैल्यू टी और पी पर डिपेंड करेगा। और अगर आप टी की वैल्यू निकालोगे टी इक्वल टू पी वी अपॉन आर आएगा, उस टी की वैल्यू पी एंड वी पर डिपेंड करेगा। तो कोई एक वेरिएबल बाकी दो का फंक्शंस होता है, बाकी दो की वैल्यूज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सेम ऐसे ही हम ऐसे तीन इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ही साइक्लिक रूल यूज़ करें, ये इसकी एसेंशियल कंडीशंस होती है। दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर थ्री इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज दैट देर आर थ्री इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड। तो हमने साइक्लिक रूल क्या आएगा, साइक्लिक रूल क्या होता है, देखिए ये तीन हमने साइकिल की फॉर्म में तीनों वेरिएबल को इस तरह से अरेंज कर दिया, एक्स वाई जेड, इस तरह से इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी इनको ऐसे रोटेट करना है। अब हमको एक्स का वेरिएशन वाई के रेस्पेक्ट में जेड को कांस्टेंट मानते हुए इनटू, वाई का वेरिएशन जेड के रेस्पेक्ट में एक्स को कांस्टेंट मानते हुए इनटू, जेड का वेरिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में वाई को कांस्टेंट मानते हुए, ये इक्वल टू आता है वन। इसको ऐसे भी सिक्वेंस याद रखने के लिए एक्स वाई जेड, फिर वाई जेड एक्स, फिर जेड एक्स वाई, इस तरह से भी हम इसको देख सकते हैं कि तीनों एक के बाद एक, जस्ट यहाँ से एक्स वाई जेड एक्स, जेड एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का वेरिएशन डेल एक्स बाई डेल वाई एट कॉन्स्टेंट जेड इंटू, वाई का वेरिएशन डेल वाई बाई डेल जेड एट कॉन्स्टेंट एक्स इंटू, जेड का वेरिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में वाई को कांस्टेंट मानते हुए इक्वल टू माइनस वन होता है। अब इसको हम प्रूव करते हैं कि कैसे होता है। देखो हमने कहा सपोज एक्स इज ए फंक्शन ऑफ, हमने कहा था कोई एक बाकी दो का फंक्शन होता है, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड, तो देन कंप्लीट डिफरेंशियल का इक्वेशन हमने पीछे पढ़ा था, कंप्लीट डिफरेंशियल का इक्वेशन क्या आएगा, डी एक्स इक्वल टू एक्स का वेरिएशन वाई के रेस्पेक्ट में डेल एक्स बाई डेल वाई, जेड को कॉन्स्टेंट मानते हुए एट कॉन्स्टेंट जेड इंटू डी वाई, प्लस फिर एक्स का वेरिएशन जेड के रेस्पेक्ट में डेल एक्स बाई डेल जेड एट कॉन्स्टेंट, वाई को कॉन्स्टेंट मानते हुए एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू डी जेड, ये इसकी कंप्लीट डिफरेंशियल का इक्वेशन कहलाता है। अब हमने कहा कि एक्स सपोज करो साइक्लिक रूल को फॉलो करता है, मतलब जहाँ से चला वापस वहीं पहुँच गया। तो अगर मैं पूछूँ चेंज इन एक्स, डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, वो इक्वल टू जीरो आएगा। डी एक्स जीरो है, इसका मीनिंग ये नहीं है कि एक्स जीरो है, एक्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो डी एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स कॉन्स्टेंट। हमने इसको डी एक्स को जीरो किया, डी एक्स ओवरऑल चेंज इन एक्स हमारा जीरो है, ठीक है। एक्स चेंज इन एक्स, एक्स का वेरिएशन वाई के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है, एक्स का वेरिएशन जेड के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल चेंज जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है। इस तरह से जैसे सपोज करो तुमने कुछ चेंज निकाला, एक बार चेंज आया प्लस थ्री, दूसरी बार उसका वैल्यूज आया माइनस थ्री, तो प्लस थ्री और माइनस थ्री ने दोनों को मिलाकर इक्वल टू जीरो कर दिया। ओवरऑल चेंज अगर की बात करें तो तब वो आएगा कितना, जीरो। तो सेम ऐसे यहाँ पर भी एक्स का चेंज हो रहा है वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स का चेंज हो रहा है जेड के रेस्पेक्ट में, लेकिन जब हम ओवरऑल चेंज निकाल कर लेके आएंगे वो इक्वल टू आएगा जीरो, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय डेल जेड, इसको हम डेल जेड से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय डेल जेड, तो इसको डेल एक्स बाय डेल वाई एट कॉन्स्टेंट जेड तो था ही पहले से, डेल वाई को हमने डेल जेड से डिवाइड कर दिया, कॉन्स्टेंट एक्स चल रहा है। सेम ऐसे ही डेल एक्स बाय डेल जेड एट कॉन्स्टेंट वाई, डेल जेड को डेल जेड से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, वन को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, ये वाला पार्ट है जो प्लस के साथ है, अगर मैं इसको इक्वल के दूसरी साइड इधर लेकर आता हूँ तो इधर आकर ये माइनस का बन जाएगा। तो सेम ऐसे यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा इस साइड आकर माइनस का हो गया, और हमने इसको अब माइनस है, माइनस वन भी लिख सकते हैं इसके साथ, वन को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हो आप, तो माइनस वन ही आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट, अब इतना पार्ट ये जो आ गया उसको हमने इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट किया। जब भी हम किसी भी ऐसी टर्म्स को जिसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, अंश भी है, हर भी है, अगर ऐसी कोई टर्म्स होती है हम उसको इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाती है, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो सेम ऐसे ही हमने इसको ऐसे इधर किया तो जेड डेल जेड न्यूमरेटर बन गया और डेल एक्स आपका डिनोमिनेटर बन गया, ठीक है, कॉन्स्टेंट वही रहे आपके। तो इस तरह से हमारा ये साइक्लिक रूल हमारा प्रूव हो गया,
कि अगर हम तीन वेरिएबल लें एक्स वाई एंड जेड, ये वाला देखो हमने यहाँ किया था कि तीनों का साइक्लिक रूल ये आया, इसको हमने प्रूव कर दिया। ओके अब आते हैं हम साइक्लिक रूल फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए भी तीन हमारे इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल हमने पहले कहा था। आइडियल गैस में तीन इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं पी वी एंड टी। तो आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू आर टी। अगर हम कोई एक की वैल्यू निकालें, बाकी दो का फंक्शन है, आर तो कॉन्स्टेंट है, इस पर तो डिपेंड नहीं करेगा, टी और वी पर डिपेंड करेगा। सेम ऐसे ही अगर हम वी का वैल्यू निकालें, वी इक्वल्स टू आर टी अपॉन पी आएगा, आर कॉन्स्टेंट है, टी और पी पर वी का वैल्यू डिपेंड करेगा। और अगर हम टी का वैल्यू निकालें, पी वी अपॉन आर आएगा, पी और वी पर टी की वैल्यू डिपेंड। तो कोई एक वेरिएबल बाकी दो का फंक्शंस होता है। तो यही हमने अभी पीछे इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल में भी किया था। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि इसके लिए साइक्लिक रूल क्या आएगा। नाउ साइक्लिक रूल फॉर एन आइडियल गैस। ये तीन वेरिएबल लिए हमने पी वी एंड टी, तो फिर से वही साइक्लिक रूल लगाते हैं हम इसमें। पी का वेरिएशन वी के रेस्पेक्ट में, डेल पी ओवर डेल वी एट ए कांस्टेंट टी इनटू, फिर वी का वेरिएशन टी के रेस्पेक्ट में, डेल वी ओवर डेल टी एट ए कांस्टेंट पी इनटू, फिर टी का वेरिएशन पी के रेस्पेक्ट में, डेल टी ओवर डेल पी एट ए कांस्टेंट वी इक्वल्स टू माइनस वन आएगा। जैसे हमने पीछे एक्स वाई जेड के केस के लिए किया था, सेम ऐसे ही हम इस वाले केस के लिए कर रहे हैं। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि जो हमने निकाला है वो आइडियल गैस के लिए सही आएगा या नहीं आएगा। ओके तो लेट्स प्रूव इट। पहली वाली टर्म्स निकालते हैं, डेल पी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, इसको हम इक्वेशन नंबर वन कर देते हैं। पहली वाली टर्म में इतना पार्ट हमने पीछे भी पढ़ा था जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे थे कि ये वाला पार्ट हमारा ऑपरेटर होता है। तो डेल बाय डेल वी हमारा ऑपरेटर है, पी हमारा फंक्शन है। आइडियल गैस इक्वेशन में पी वी इक्वल टू आर टी होता है, तो पी की जगह हम आर टी अपॉन वी भी लिख सकते हैं। और कांस्टेंट टी हमारा चल ही रहा है, आर पहले से पता है कांस्टेंट, टी हमको यहाँ से पता चला कांस्टेंट, आर और टी दोनों कांस्टेंट बाहर, डी बाय डी वी के अंडर में वन अपॉन वी आया, जिसको अब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम अब इसको और सॉल्व करें तो ये हमको मिल जाएगा आर टी डी बाई डी वी, वन अपॉन वी को वी की पावर माइनस वन लिख सकते हैं। ओके तो आर टी वी की पावर, पावर हमारा हमने कहा था जब हमने डिफरेंशियल पढ़ा था पावर फंक्शन का, डिफरेंशियल पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, पावर से एक माइनस हो जाता है, तो माइनस वन की मल्टीप्लाई क्या, माइनस के आर टी वी की पावर माइनस के टू, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस आर टी अपॉन वी स्क्वायर। ओके तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू तो हमारा आया माइनस आर टी अपॉन वी स्क्वायर, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, डेल पी बाई डेल वी एट ए कॉन्स्टेंट टी इक्वल्स टू माइनस आर टी अपॉन वी स्क्वायर। ओके अब हम आते हैं सेकेंड टर्म्स पर। सेकेंड टर्म के लिए ठीक है, अब हम सेकेंड टर्म्स का वैल्यू निकालते हैं। सेकेंड टर्म्स क्या है हमारी, डेल वी बाय डेल टी एट ए कांस्टेंट पी, डेल बाय डेल टी इसमें ऑपरेटर है, वी की जगह हम आर टी अपॉन पी लिख सकते हैं आइडियल गैस से, जैसे ये वाली इक्वेशन है हमारी आर टी अपॉन पी, कांस्टेंट क्या है पी, आर कांस्टेंट, पी हमको यहाँ से पता चला कांस्टेंट, आर अपॉन पी दोनों कांस्टेंट को बाहर गया, d बाई डी टी के अंडर में t आ गया, और dt बाई डी टी हम पहले भी पढ़ चुके हैं इक्वल टू वन होता है, इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से हमको इस टर्म्स का वैल्यू डेल v बाई डेल t एट कॉन्स्टेंट p इक्वल्स टू r अपॉन p मिला, तो हमें सेकेंड टर्म्स का वैल्यू भी आ गया। थर्ड टर्म का वैल्यू निकालते हैं, डेल t बाई डेल p एट कॉन्स्टेंट v इक्वल्स टू डेल बाई डेल पी इसमें ऑपरेटर है, टी की जगह हम पी वी अपॉन आर लिख सकते हैं, कांस्टेंट वी है तो वी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, तो डी बाई डी पी जो कांस्टेंट टर्म्स है हमारा वी अपॉन आर उसको हमने बाहर किया, और डी बाई डी पी के अंडर में सिर्फ पी बचा, और जैसे हमारा डी टी बाई डी टी इक्वल टू वन आया था वैसे ही डी पी बाई डी पी भी इक्वल टू वन आता है। थर्ड टर्म्स का वैल्यू हमारा वी अपॉन आर आया। ओके
अब हम इसकी वैल्यूज़ को, ये जो हमारा इक्वेशन गिवन इक्वेशन वन है, इसमें सब्सिट्यूट करते हैं तीनों वैल्यूज़ को। तीनों वैल्यूज़ आ गई है हमारे पास। अब हम इस गिवन इक्वेशंस में इसकी वैल्यू को सब्सिट्यूट करते हैं। सब्सिट्यूट किया, पहले वाले में इसकी वैल्यूज़ को हमने माइनस के आर टी अपॉन पी वी स्क्वायर निकाला था। सेकेंड वाले की वैल्यूज़ हमने यहाँ से आर अपॉन पी निकाला। थर्ड वाले की वैल्यूज़ को हमने वी अपॉन आर निकाला। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, नीचे आपका आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक वी से एक एक वी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारा माइनस के आर टी बचेगा और नीचे हमारा पी वी बचेगा। और आइडियल गैस में हमने पढ़ा है पी वी इक्वल्स टू आर टी होता है, तो माइनस के आर टी तो ऊपर है ही, नीचे पी वी की जगह भी मैं आर टी लिख सकता हूँ, आर टी बाई आर टी दैट इज़ माइनस वन। तो हमारा इस तरह से साइक्लिक रूल प्रूव हुआ। ठीक है, तो सही है, हमारा साइक्लिक रूल है। इसके रिगार्डिंग आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, नेट में भी आती हैं, सी एस एल नेट में, गेट में भी आती हैं और आई टी जेम्स में भी आती हैं। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से साइक्लिक रूल बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, थैंक यू।